जलालपुर थाना क्षेत्र के ढोल रहटिया संपर्क मार्ग का एक मामला सामने आया, जहां बंगरा गांव के पास राह चलती दो राहगीरों का धारदार हथियार से गला रेतने का मामला सामने आया है। बता दें, कदौरा क्षेत्र के दो युवक अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस कराने सरीला गए थे, तभी रास्ते में अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया। हमला देर रात अंधेरे में सुनसान इलाके में किया गया। हालांकि अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि हमला लूट के इरादे से किया गया है या फिर उन युवकों को चाल से मारने की साजिश रची गई है। कैसे पहुंच गए? कह रहे थे कि हम सरीला जा रहे, थोड़ी गाड़ी गाड़ी की सर्विस कराने, तो वैसे ही कुछ बोल रहे थे और बस ना कहा। किस स्थिति में मिले ये दोनों? दोनों बिल्कुल, वो का नाम जो नेता भैया है वो तो बिल्कुल का नाम पैदल चल के, उनको तो कुछ होश था कि पैदल चल के यहाँ तक रहटिया के काफी मतलब नजदीक आ गए थे, तो मतलब पुलिया में पड़े मिले। और जो हमारा भाई धीरेन्द्र है वो तो मतलब बिल्कुल लास्ट तक बोल नहीं पा रहा, बस बिल्कुल ना तो नहीं पा रहा ना बोल पा रहा। कैसी स्थिति है? बिल्कुल का नाम बोलने लायक नहीं है। बीमारी है, खून से बिल्कुल लथपथ है, बिल्कुल खून लाल पूरे शरीर में खून छपा हुआ है और नाम गर्दन काफी काटी हुई है, बिल्कुल गर्दन दोनों की गर्दन कटी हुई है। कैसे सूचना मिली तुमको, कैसे वहाँ मौके पहुँचे? हमने अपने भाई मतलब इसी भैया के फोन पे फोन किया, तो वो बोल रहे थे कि आ जाओ, आवाज समझ नहीं आई थी, फिर उन्होंने किसी मतलब व्यक्ति को फोन किया तो फिर उन्होंने बताया कि ये बंगरा में है और ये बहुत ही मतलब गंभीर हालत में, तो आप पहुँचो। तो फिर हमने अपने बड़े भाई सबको बताया तो वो हम फिर वहाँ पर पहुँचे। गर्दन पर धारदार हथियार से मारे गए घाव थे, स्थिति गंभीर होने के कारण उनको जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया गया है और पुलिस को सूचना दे दी। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं आप रूबरू हो देश प्रदेश की हर छोटी और बड़ी खबरों से।